हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पश्तून रिएक्शन। आज मैंने एक वीडियो उठाई है, टॉप 10 गैंगस्टर ऑफ इंडिया। तो आइए देखते हैं कि इंडिया में कौन कौन है गैंगस्टर है, मतलब लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, गैंगस्टर ये वो नाम जिसे सुनकर आम जनता तो क्या, पुलिस भी डर से कांपने लगती है। आज के समय में भारत में एक से बढ़कर एक कई खूंखार और खतरनाक गैंगस्टर हैं, जो आए दिन पुलिस को चकमा देते हुए अपने अपराध को अंजाम देते हैं। इस वीडियो में हम आपको इस समय के भारत के टॉप 10 सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स के बारे में बताने वाले हैं, जिनके नाम लूट, हत्या, रंगदारी, डकैती और अपराध के दर्जनों मामले शामिल हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। नंबर 10, बिल्लू सांडा। बिल्लू तो जहाँ हर बच्चा बचपन में सोचता है कि वो बड़ा होकर कोई बड़ा पद हासिल करेगा ताकि उसके माँ बाप और समाज का नाम रोशन हो, वहीं कुछ बच्चे लोगों को मारने, लूटने और उनकी जान लेने में गर्व महसूस करते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है सहारनपुर के मंडी क्षेत्र का रहने वाला बिल्लू सांडा की। इसका रियल नेम नदीम है। नदीम और बिल्लू सांडा पर 3 हत्याओं सहित लूट, डकैती और लोगों से फिरौती मांगने के 16 मामले दर्ज हैं। लगभग 1.5 साल से ये जेल में बंद था, लेकिन 4 जनवरी को जब उसकी पेशी होने वाली थी, तभी शाम में वह जेल तोड़कर भाग गया और जेल से भागकर सीधे वह इंदिरा चौक में निवास करने वाले प्रॉपर्टी डीलर के घर पहुंच गया और उसने 10 लाख रुपए मांगे। रुपए ना मिलने पर उनको मारने का प्लान बना लिया, लेकिन शुक्रवार को पुलिस ने सबदलपुर तराहे पर उसे गिरफ्तार कर लिया। गॉड। और इसके बाद चोरी की बाइक, तमंचा और कारतूस जैसे कई हथियार बरामद किए गए, जिसके बाद जब इन्हें मीडिया के सामने लाया गया, तब नदीम और बिल्लू सांडा ने बताया कि उसको मर्डर करने का शौक है, पूरे भारत का बेताज बादशाह बनना चाहता है। उसने पुलिस को धमकी भी दी कि वो उसको ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रख सकते, वो दोबारा भाग जाएगा। उसने मीडिया को यह भी बताया कि उसने खलनायक फिल्म देखने के बाद एक क्रिमिनल बनने का सोचा। पुलिस ने मीडिया को बताया कि अगर उस दिन उसे नहीं पकड़ पाते तो वह 5 लोगों को मौत के घाट उतार देता। मीडिया के सामने बिल्लू सांडा का एक डायलॉग बहुत ही तेजी से फेमस हुआ था, जिसमें ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मेरा बाप बदमाश था और मैं भी बदमाश हूँ। आप देखिए इनके इस वीडियो को। किसको देख के तुम्हें सीख मिली कि बड़ा वो बनना? शौक है बचपन से, मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ। जबरदस्त, क्या डायलॉग है। सो गया मुझे इस चीज का बदमाशी है, है बड़ा जो जिसके जिस खन्ना है, गलत बंदा खन्ना है। देखिए जी, इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन संजीदा दी होंगी। जबरदस्त है। 10 अक्टूबर लांग के 10 बजे खुद भी बदमाश है, इसका बाप बदमाश है। नंबर 9, सुखा कहलावा। दोस्तों, सुखा कहलावा, जिसका पूरा नाम सुखबीर सिंह कहलावा है, इसने अपने नाम अपने गांव के नाम पर रखा था। इसके पिता का नाम सुदर्शन सिंह और माता का नाम हरजिंदर कौर है। दोस्तों, इतना हैंडसम सा दिखने वाला लड़का आखिर गैंगस्टर क्यों बना, तो इसके पीछे भी एक कहानी बहुत दिलचस्प है। बता दे कि ये अमीर फैमिली से बिलोंग करता था। सुखा के माँ बाप अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन सुखा बचपन से ही लड़ाई झगड़े करता था, इसलिए अमेरिका जाने के लिए पासपोर्ट नहीं बन पा रहा था। लेकिन सुखा के माँ बाप बताते हैं कि उनको बड़ी मुश्किल से अमेरिका जाने का मौका मिला था, इसलिए वो सुखा को उसकी मौसी के पास छोड़कर चले गए। उसके बाद सुखा 21 साल की उम्र में अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करके ऑस्ट्रेलिया चला गया, लेकिन ये वहाँ कोई काम नहीं करता था, जिससे उसके और उसकी पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होने लगे और वहाँ से वापस आ गया। तब उसके लड़ाई झगड़े के मामले भी सामने आने लगे, जिससे इसके पत्नी ने इसको तलाक दे दिया। उसके बाद सुखा बेहद ही खूंखार गैंगस्टर बन गया। बता दें कि सुखा पर 45 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिसमें 2 हत्या, 8 हत्या करने का प्रयास और 7 लूट के मामले भी दर्ज हैं। लेकिन दोस्तों, 21 जनवरी 2015 के शाम को 27 साल के कुख्यात बदमाश सुखा कहलावा का अपने विरोधी से खून हो जाता है और ये हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चला जाता है। नंबर 8, नीरज बवाना। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आप कितने भी गरीब माँ बाप के बच्चे हों, पढ़ लिख कर अपना और अपने समाज का नाम रोशन कर सकते हैं, वहीं कुछ बच्चे गैंगस्टर बन जाते हैं। उन्हीं में से एक परिवहन निगम बस कंडक्टर प्रेम सिंह सहरावत के बेटे नीरज बवाना का भी किस्सा है, जिसका जन्म दिल्ली के एक गांव बवाना में हुआ था। नीरज ने सिर्फ और सिर्फ 16 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में अपना पहला कदम रख दिया था। साल की उम्र उसके बाद तो जब तिहाड़ जेल में था, तब वहां से वह सुरेंद्र मल्लिक
उर्फ नीतू दबोदा के गैंग में शामिल हो गया और उनके साथ मिलकर उसने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। जैसे इनके नाम पर रंगदारी, हत्या और लूट के मामले बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे गैंग भी बड़ा हो रहा था। नीरज सहरावत का नाम भी बवाना नाम उसके गांव पर ही रखा गया। मई 2012 में नरेला विधायक सतेंद्र राणा को फोन पर धमकी दी। फोन करने वाले ने अपना नाम नीरज बवाना बताया और उसने 40 लाख रुपए की मांग की। इसकी शिकायत दर्ज होने के बाद नीरज बवाना को गिरफ्तार कर लिया गया। साल 2014 में उसने अपने करीबी दोस्त सोनू पंडित की हत्या में शामिल संदीप टेसर की हत्या कर दी। उसके बाद नीरज बवाना का खौफ पूरे दिल्ली के साथ उसके सटे कई शहरों में फैलने लगा। आज नीरज बवाना पूरे दिल्ली का सबसे बड़ा डॉन है, लेकिन वो इस समय दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैद है। नंबर 7, दुर्लभ कश्यप। दोस्तों, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा उनके ही जैसे बने, उनके जैसे काम करें, लेकिन हर बच्चा अपने माँ बाप के सपनों को पूरा नहीं करता बल्कि उनके सपनों को चकनाचूर कर अपराध की दुनिया में भी दाखिल हो जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी है कुख्यात गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की, जिसके पिता एक शिक्षक जो कितने ही बच्चों को एक सही रास्ता दिखाते थे, लेकिन उनके बेटे को यही सही रास्ता मंजूर नहीं था। वो शिक्षक नहीं बल्कि गैंगस्टर बनना चाहता था। इस सपने को पूरा करने के लिए उसने बहुत ही कम उम्र में जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया। दुर्लभ कश्यप ने अपने गैंग फेसबुक पर ही शुरू किया था, जिससे बहुत से नौजवान लड़के जुड़ते गए। उसने अपने दोस्तों से मिलकर कई वारदातों को अंजाम दिया, लेकिन एक बार वह पुलिस के हाथों लग गया और उसे जेल हो गई। लेकिन वह जेल से ही अपने गैंग को चलाया करता था। जेल से छूटने के बाद वह अपने घर आया और घर जाने के कुछ ही दिन बाद दुर्लभ अपने दोस्त के साथ 11 बजे चाय की दुकान पर गया। जैसे ही वह दुकान पर गया, वैसे ही दूसरे गैंग के लोगों ने उस पर चाकू से वार कर दिया। बता दें कि दुर्लभ पर 36 बार चाकू से वार किया गया था, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। 7 मई 2020 को उसने दुनिया को छोड़ दिया। नंबर 6, सुनील राठी। दोस्तों, बदला एक ऐसी भावना है जिसमें इंसान अपने साथ साथ ना जाने कितने बेकसूर लोगों को नुकसान पहुंचा देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी के बारे में, जिसने अपने पिता का बदला लेने के लिए ना जाने कितने लोगों का कत्ल कर दिया। ये बात 90 के दशक की है, जब यूपी के बागपत जिला खेती किसानी के लिए जाना जाता था, साथ ही कुख्यात हो रहा था अपराधियों के लिए भी। और इसी बीच सुनील राठी के पिता नरेश राठी टिकरी के चेयरमैन बन गए। पारिवारिक झगड़ों के चलते एक दिन नरेश राठी की हत्या कर दी गई। इनके पिता की हत्या का आरोप लगा साहब सिंह राठी और मोहकम सिंह राठी पर। यहीं से शुरू होती है सुनील राठी के गैंगस्टर बनने की कहानी। इन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए कसम खाई और अपनी गैंग बनाने शुरू कर दी। पिता की हत्या के साल बाद 2000 में इन्होंने दोनों अपराधियों को मौत के घाट उतार दिया और लगातार 4 हत्याओं को अंजाम दिया। उसके बाद ये फरार हो हुए और दिल्ली में छुप गए। वहीं पर एक शोरूम में घुसकर डकैती कर डाली और 3 लोगों की हत्या की और वहां से भी फरार हो गया। उसके बाद कई दिनों तक वो हरिद्वार में रहा और हरिद्वार से ही अपने गैंग को चलाता रहा। वहीं से ये अपना गैंग भी बढ़ा रहा था। बता दें कि इनको गैंगस्टर बनने में इसके माँ बाप का भी पूरा हाथ है। इसकी माँ भी कई बार जेल जा चुकी है। नंबर 5, पपला गुज्जर। दोस्तों, पपला गुज्जर हरियाणा के महेंद्रगढ़ गांव का रहने वाला था। उसके पिता चाहते थे कि वह एक फौजी बने, लेकिन उसको पहलवानी का भूत सवार हो गया और वह गांव में कुश्ती सिखाने वाले शक्ति सिंह के पास पहलवानी भी सीखने लगा। कुश्ती सीखने के दौरान उसने एक संदीप फौजी नाम के शख्स को पीट दिया। दरअसल संदीप का उसके गांव की एक विवाहित लड़की से अफेयर था। गांव वालों ने संदीप को मना किया था, लेकिन वह नहीं माना, इसलिए पपला गुज्जर ने अपने गुरु शक्ति सिंह और साथियों के साथ उसे खूब पीटा। लेकिन इस मारपीट के कुछ दिन बाद ही उसके गुरु शक्ति सिंह की हत्या हो गई। उस समय बाद 2000 संदीप फौजी, उसकी माँ, मामा और नाना की हत्या हो गई। उसका आरोप विक्रम और पपला और उसके साथियों पर लगा। उसके बाद 2016 में पपला को अवैध हथियारों के साथ पकड़ा गया, लेकिन कोर्ट ले जाते समय वह फरार हो गया और 2019 में एक नेता जयराम की हत्या का बदला लेने राजस्थान पहुंचा था और वहीं से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसने थाने पर हमला बोल दिया और फरार हो गया। उसके बाद जिया नाम की लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया, लेकिन पुलिस को खबर मिल गई कि 28 जनवरी 2021 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद से अब तक वह जेल में ही कैद है। नंबर 4, अक्षय पालड़ा। दोस्तों, अक्षय पालड़ा सोनीपत का रहने वाला एक कुख्यात गैंगस्टर है, जिसने अपना पहला कत्ल मात्र 15 साल की उम्र में किया था। और दोस्तों, ये कत्ल उसने अपने चाचा के थप्पड़ मारने वाले इंसान का गला काट कर किया था।
उसके बाद 2015 में उसने सरेआम मार्केट में पिता पुत्र की हत्या कर दी और जनवरी 2018 में राजगढ़ चूरू की कोर्ट में जज के सामने दो लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी। ये तो बड़ा खतरनाक बंदा है। विरोधी गैंग के जॉर्डन को 17 से 18 गोलियां मारकर हत्या कर दी। बता दें कि अब तक यह 5 करोड़ से भी ज्यादा फिरौती ले चुका है। यह सबसे पहले राजू बसोदी नाम के गैंगस्टर से जुड़ा था, उसके साथ मिलकर 3 कत्ल किए। इसके बाद पिछले 2 सालों से जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में आया। इनके साथ मिलकर इसने 4 कत्ल और 6 हाईवे किलिंग की। फिलहाल ये भी जेल के सलाखों के पीछे है। नंबर 3, रुपिंदर गांधी। दोस्तों, सिक्के के हमेशा 2 पहलु होते हैं, उसी प्रकार इंसान के भी 2 रूप होते हैं, अच्छाई और बुराई। हम बात कर रहे हैं रुपिंदर गांधी के बारे में। इनका जन्म पंजाब के गांव रसूलार में 2 अक्टूबर 1979 को हुआ। ये गांधी जयंती के दिन पैदा हुए, इसलिए इसका नाम रुपिंदर गांधी रख दिया गया। पढ़ने में भी तेज था और साथ ही फुटबॉल का राष्ट्रीय स्तर का शानदार खिलाड़ी भी। साल 2001 में 21 साल की उम्र में ये सरपंच बन गया। जहां गांधी गांव के लोगों के लिए सीधा साधा सबकी मदद करने वाला रुपिंदर था, तो वहीं रसूलरा गांव से बाहर रहने वालों के लिए कुख्यात गैंगस्टर। 2003 में 5 सितंबर को अपने दोस्त के साथ जा रहा था कि वहीं इसको अगवा कर लिया गया और सुल्दी गांव में उसकी हत्या कर दी गई। 10 दिन बाद उसका शरीर भाखड़ा नहर में पाया। नंबर 2, श्री प्रकाश शुक्ला। दोस्तों, अगर बात अपने बहन की इज्जत की हो तो इंसान का पागल हो जाना लाजमी है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही कहानी है श्री प्रकाश शुक्ला की, जो अपनी बहन के लिए गैंगस्टर बना। जब साल 1993 में राकेश तिवारी नाम के गुंडे ने प्रकाश की बहन के साथ बदतमीजी की थी। ये बात इनकी बहन अपने माता पिता को बोलती है, लेकिन माँ बाप ऐसे गुंडे के मुंह ना लगने के लिए बोलते हैं। ये बात जब प्रकाश को पता चली तो वह उसी रास्ते पर गया जहाँ तिवारी ने उसकी बहन को छेड़ा था, और वहां जाकर उसने उसकी और उसके पिता की हत्या कर दी। दोस्तों, 20-21 साल के लड़के ने दिन दहाड़े हत्या की थी, इसलिए अपराध की दुनिया में इसका नाम एकदम से बड़ा हो गया। 23 सितंबर 1998 को वह अपनी प्रेमिका से मिलने आया और वहीं पर पुलिस मुठभेड़ में मात्र 25 साल की उम्र में श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया। नंबर 1, लॉरेंस बिश्नोई। दोस्तों, लॉरेंस इसका बड़ा नाम पंजाब के फजिलका जिले के अबोहर का रहने वाला है। लॉरेंस का जन्म 22 फरवरी 1992 को हुआ था। उसके पिता पंजाब पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर काम कर चुके हैं। ये बचपन से ही खेल कूद में अच्छा था, इसलिए घर वाले ये सोचते थे कि बेटा नाम कमाएगा, लेकिन किसी को क्या पता था कि बेटा गैंगस्टर बन जाएगा। अब ये पढ़ाई करने चंडीगढ़ आया और डीएवी कॉलेज में अपना दाखिला लिया। यहीं से इसके जुर्म की शुरुआत होने लगी। ये बहुत ही स्मार्ट और पैसे वाला था, इसलिए इसके दोस्तों ने चुनाव लड़ने को बोला और ये चुनाव लड़ा, लेकिन बड़ी मेहनत के बावजूद ये चुनाव हार गया। लॉरेंस को अपनी ये हार बर्दाश्त नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने एक रिवॉल्वर खरीद ली और अपनी एक हार का बदला लेने के लिए चुनाव जीतने वाली टीम से लड़ने का इरादा बना लिया। 2011 में लॉरेंस का सामना जब उदयपुर की ग्रुप से हुआ, जो उसके चुनाव में जीत गया था, उसने दोनों पर जब भिड़ंत हुई तो लॉरेंस ने फायरिंग कर दी और मामला पुलिस तक पहुंच गया। फिर इस गुटबाजी के चलते उस पर पहला केस दर्ज हुआ। उसके बाद उसने दूसरे ग्रुप को सबक सिखाने के लिए एक बड़े गैंगस्टर से हाथ मिला लिया, जिसके बाद ये अपराध को अंजाम देने लगा और आज ये कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को मौत के घाट उतार चुका है और आए दिन इसका खौफ बढ़ता ही जा रहा है। बता दें कि अब तक लॉरेंस पर करीब 65 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। बुखार गैंगस्टर बना, इसके गैंगस्टर बनने की जर्नी के वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसे एक बार। इसने सलमान खान को भी धमकी दी। दोस्तों, यही थे भारत के इस समय के 10 सबसे खूंखार खतरनाक गैंगस्टर। वैसे इनमें से कौन सा गैंगस्टर आपको सबसे खतरनाक लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये फिर में ये लोग मर जाते हैं, ये कुछ इस तरह के इनके साथ गलत किस्म के वाकये पेश आते हैं, तो इनसे हमें सबक सीखना चाहिए। बाकी इन चीज़ों की शौक नहीं करना चाहिए। तो वैसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, और बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ ही जुड़े रहिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके गाइस, बाय बाय।